तो हेलो गाइस, ड्रिपगोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोहान और जिरेन के बीच काफी तेजी से लड़ाई होती है, जहां पर जिरेन बस गोहान को हराने ही वाला होता है, मगर बीच में दोनों जैनों को नींद आ जाती है, जिस वजह से ग्रैंड प्रिस्ट को मैच रोकना पड़ता है और गोहान हारने से बाल बाल बचता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और जिस किसी को जिरेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो उन्हें मैं बता दूं कि ये बस एक स्टोरी है, आप लोग स्टोरी को बस एंजॉय के लिए देखा करो, क्योंकि आपको जिरेन और एलेनेक्स जैसा देखना है, ऐसा तो कैनन वालों ने बना ही रखा है। आप यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि आपको उन सबसे अलग देखने को मिले, तो दिल को छोटा करने के बजाय बड़ा करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर गोकू पूछता है वेजिटा ब्रोली कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वेजिटा कहता है, तुम कौन से दुनिया में हो कैकरोट, ब्रोली कब का मर चुका है। गोकू वेजिटा की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या। वेजिटा कहता है, ये सच है। गोकू पूछता है, मगर कैसे वेजिटा, किसने मारा ब्रोली को। बीरस गोहान से बोलता है, गोहान अब मैं फंसूंगा इसमें। गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस बताइए ब्रोली की मौत कैसे हुई। वेजिटा कहता है, उनसे क्या पूछ रहे हो, जबकि ब्रोली को मारने वाला यही है। गोकू अब ये सुनकर पूरी तरह से हिल जाता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो वेजिटा, ब्रोली को लॉर्ड बीरस क्यों मारेंगे। वेजिटा कहता है, मुझे क्या मालूम, उन्हीं से पूछ लो। गोकू अब बीरस से पूछता है और बोलता है, लॉर्ड बीरस क्या ये सच है, क्या आपने ही ब्रोली को मारा है। बीरस कहता है, गोकू वेजिटा एकदम सही कह रहा है, मैंने ही ब्रोली को मारा है। अब बीरस के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देता है। गोकू बीरस का फेस देखकर समझ जाता है कि बीरस झूठ बोल रहा है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस ब्रोली को कभी नहीं मार सकते हैं, मुझे पता चल गया है। बीरस अब घबरा जाता है और बोलता है, गोकू तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं ब्रोली को नहीं मार सकता हूँ। गोकू कहता है, आपका चेहरा साफ साफ बोल रहा है कि आपने ब्रोली को नहीं मारा। वेजिटा गोकू की बात सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या करो, लॉर्ड बीरस ने अगर ब्रोली को नहीं मारा तो किसने मारा है। गोकू कहता है, ये भी पता चल जाएगा। तभी गोहान कहता है, अरे डैड आप आते ही इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों करने लग गए, आप तो मुझे ट्रेनिंग देने वाले थे, तो अब देरी क्यों कर रहे हो। गोकू अब गोहान की बात सुनकर समझ जाता है कि गोहान का ही इसमें हाथ जरूर होगा। अब सीन जाता है ब्रोली और चिलाई पर, और वो दोनों वापस से प्लैनेट वैम्पा पर दिखाई देते हैं। चिलाई कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया ब्रोली, तुमने पूरा यूनिवर्स को सेक्रीफाइस कर दिया। ब्रोली कहता है, चिलाई हमें रहने के लिए पूरे मल्टीवर्स की जरूरत नहीं है, और ये है तो हमारा प्लैनेट, मेरी जिंदगी की असली शुरुआत इसी प्लैनेट से शुरू हुई थी। चिलाई कहती है, तुम कह तो ठीक रहे हो, मगर तुम्हें मरने की एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। ब्रोली कहता है, क्योंकि गोहान ने मुझसे पूरे दिल से मदद मांगी थी, और मैं तो सबकी मदद करता हूँ, है ना, और गोहान को गोकू के सामने कुछ बनकर दिखना था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी गोकू वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है, ओ तो इसलिए तुमने ऐसा किया। ब्रोली अब गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, तुमने क्या सोचा कि तुम मरने का नाटक करोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ब्रोली कहता है, गोकू तुम यहाँ क्या करने आए हो। गोकू कहता है, मुझे ये बताओ कि तुम गोहान के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से उसे बुरी आदत लग जाएगी। ब्रोली कहता है, मैंने तो गोहान की मदद इसलिए की क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। गोकू बोलता है, ब्रोली तुमने अपने मरने की खबर फैलाकर मल्टीवर्स में एक क्राइम किया है, मगर छोड़ो कोई बात नहीं, अब तुम्हें मरने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ब्रोली बोलता है, अगर मैं सामने आया तो गोहान को कंपटीशन से निकाल दिया जाएगा। गोकू कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मगर आगे से ऐसा कभी मत करना। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर, जहां पर जिरेन ध्यान कर रहा होता है। तभी वहां पर बेलमोड आता है और कहता है, जिरेन
क्या तुमने कुछ सोचा है कि तुम कैसे गोहान को हराओगे? जिरेन कुछ बोलता नहीं है। बेलमोड कहता है, अरे सो गया क्या, बोल क्यों नहीं रहा कुछ? तभी जिरेन अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, लॉर्ड बेलमोड, आप मुझे क्यों सोचने के लिए कह रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं उसे हरा दूंगा। बेलमोड कहता है, तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रहे हो? जिरेन कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गोहान के पास ज्यादा टेक्निक नहीं है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो पिकोलो को गोहान के पास ले आता है। पिकोलो कहता है, क्या बात है गोकू, तुमने मुझे बुलाया? गोकू कहता है, कैसे हो पिकोलो? पिकोलो बोलता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? गोकू कहता है, पिकोलो मैं चाहता हूँ कि तुम गोहान को अपना स्पेशल कैनन बीम सिखाओ। गोहान कहता है, मगर डैड ये तो मुझे पहले से ही आता है। गोकू बोलता है, गोहान तुम जो टेक्निक यूज करते हो उससे सामने वाले की जान भी जा सकती है, और याद रखना मैच के रूल्स में किसी को मारना अलाउड नहीं है। गोहान कहता है, ओ मुझे अब समझ आया। गोकू कहता है, तो पिकोलो मैं चाहता हूँ कि तुम गोहान को ट्रेनिंग दो ताकि गोहान अपनी एनर्जी को कम ज्यादा कर पाए। पिकोलो बोलता है, मैं समझ गया। गोहान बोलता है, डैड क्या आपको लगता है कि मैं जिरेन को हरा पाऊंगा? गोकू बोलता, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है गोहान कि तुम जिरेन को हरा पाओगे। अब सीन जाता है यूनिवर्स 6 में और चैंपा बड़ा खुश होता है और कहता है, देखो वेडोस, मैंने कहा था ना कि ग्रैंड मिनिस्टर मेरी बात को जरूर मानेंगे। वेडोस कहती है, आपका तो दिमाग काफी तेज चलने लग गया है लॉर्ड चैंपा। अब चैंपा राइकून से कहता है, क्या बात है राइकून, तुम क्या सोच रहे हो? राइकून चैंपा को हंसते हुए जवाब देता है और बोलता है, लॉर्ड चैंपा मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मैच जीत जाता हूँ तो क्या मुझे डिस्ट्रॉयर बना दिया जाएगा? चैंपा कहता है, और आइकॉन तुम एकदम सही बोल रहे हो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो तुम ही बनोगे, मगर यूनिवर्स में कंट्रोल मेरा होगा क्योंकि तुम्हें मेरे लिए ही बुलाया गया है। राइकॉन कहता है, जी लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, वैसे तुम कहीं तुम बाकी सेंस को देखकर पीछे तो नहीं हट जाओगे? राइकॉन कहता है, नहीं लॉर्ड चैंपा, मैं उन्हें अपने हाथों से क्रश कर दूंगा। तभी वहां पर हिट आ जाता है और कहता है, अरे लॉर्ड चैंपा आप ये किस नौटंकी को ले आए हो? चैंपा बोलता है, अपना मुंह बंद करो, ये एक महान फाइटर है जो कि यूनिवर्स 13 का नया डिस्ट्रॉयर बनेगा। हिट कहता है, कौन है ये? राइकॉन हिट से बोलता है, देखो मेरी तरफ, क्या दिखता है तुम्हें? अब हिट राइकॉन का फेस देखकर घबरा जाता है और बोलता है, तुम्हें देखकर एक अजीब सा डर लग रहा है। राइकॉन कहता है, मैं यही चाहता हूँ कि सभी डरे मुझसे और इस टूर्नामेंट में मैं ही बनूंगा विनर। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 में जहाँ पर गोकू आ चुका है और वो जिरेन से बोलता है, हाय जिरेन कैसे हो? जिरेन बोलता है, सन गोकू तुम यहाँ? गोकू कहता है, हाँ जिरेन मैं तुमसे पूछने आया था कि जब तुम गोहान से लड़ रहे थे तो क्या तुम किसी तरह का पॉइजन का यूज कर रहे थे? जिरेन को गोकू की बात समझ नहीं आती और वो बोलता है, क्या पॉइजन? कैसा पॉइजन? मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। गोकू बोलता है, गोहान ने मुझे खुद बताया है कि तुमने किसी तरह का पॉइजन यूज किया है। जिरेन कहता है, लगता है कि तुम्हारा बेटा पागल हो चुका है, और अगर ये सच है तो शायद मैंने जो ट्रेनिंग की थी उसी में मैंने पॉइजन पावर हासिल की हो। गोकू कहता है, ओके मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कहीं तुम बाहर से तो कोई चीज यूज नहीं कर रहे थे। जिरेन कहता है, अरे नहीं गोकू, मैं भला ऐसा क्यों करने लगा, तुम्हें बस गलत फहमी हुई थी। गोकू कहता है, अच्छा तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। तभी जिरेन बोलता है, ठहरो गोकू, लेकिन एक बात मेरी सुनते जाओ। गोकू पूछता है, क्या बात है जिरेन? जिरेन कहता है, पिछली बारी तो गोहान मुझसे बच निकला था, मगर इस बार मैं उसे कोई मौका नहीं देने वाला हूँ, इसलिए उसे जितनी ट्रेनिंग देनी हो दे दो। गोकू कहता है, जिरेन मैंने भी अभी तक गोहान का हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें खत्म ही ना कर दे, इसलिए अब बचने की बारी तुम्हारी है, गोहान की नहीं। जिरेन कहता है,
वो तो वक्त ही बताएगा। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिंस पर और वो मीरस से बात करते हैं। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, मीरस एक प्रॉब्लम है जो मुझे परेशान कर रही है। मीरस पूछता है, क्या बात है फादर, मुझे बताइए। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, अभी तक सुप्रीम काई का इंतजाम नहीं हो पाया। मीरस कहता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, बिना सुप्रीम काई के वो यूनिवर्स कैसे चलेगा। मीरस कहता है, तो आप ये काम उसी यूनिवर्स को दे देना जो यूनिवर्स इस फाइट को जीतेगा। क्रिएशन करने वाला भी विनर यूनिवर्स से आ जाएगा। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, कह तो तुम ठीक रहे हो, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम किस फाइटर के एंजल बनना चाहोगे। मीरस बोलता है, मैं तो यूनिवर्स 7 का ही हूँ, तो मैं तो यही चाहूंगा कि गोहान मेरा गॉड बने, मगर हमें तो रूल्स के हिसाब से चलना होगा। ग्रैंड प्रिंस कहता है, ग्रैंड जैनो तो सोए पड़े हैं, मगर हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो सारा टाइम इस यूनिवर्स को बनाने में ही लग जाएगा। नेक्स्ट डे सीन जाता है यूनिवर्स 7 पर, जहाँ पर पिकोलो गोहान को ट्रेनिंग दे चुका है। पिकोलो कहता है, याद रहे गोहान, तुम्हें इस टेक्निक का यूज बस जिरेन को नॉक करने के लिए करना है। गोहान कहता है, तुम टेंशन मत लो पिकोलो, मैं इस बारी खुद को फेल नहीं होने दूंगा। तभी वहां पर गोकू आता है और कहता है, कैसी चल रही है ट्रेनिंग गोहान। गोहान बोलता है, हमने तो ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर ली है। गोकू कहता है, ग्रेट गोहान, वैसे मैं जिरेन से मिलकर आया था। गोहान कहता है, आप वहाँ क्या करने गए थे डैड। गोकू कहता है, मैं जिरेन के नए पॉइजन अटैक के बारे में जानने गया था और मुझे ये पता चला कि जिरेन ने अपनी ट्रेनिंग में बहुत सी एबिलिटी को अनलॉक किया है। गोहान कहता है, अच्छा। गोकू कहता है, और उसने अपनी बॉडी को सॉलिड बनाने के लिए भी ट्रेनिंग की है। गोहान कहता है, ओह तो डैड अब क्या करना है। गोकू बोलता है, अगर तुम प्लान के हिसाब से चलोगे तो इस फाइट को जीत जाओगे गोहान, वरना तुम पिछली फाइट की तरह फंस जाओगे। गोहान कहता है, नहीं डैड, इस बारी मैं उस जिरेन को हरा कर ही रहूंगा। तभी ग्रैंड प्रिंस फिर से अनाउंस करते हैं और बोलते हैं, दोनों यूनिवर्स के एंजल ध्यान से सुनो, आज शाम को गोहान और जिरेन के बीच फिर से मुकाबला होगा, तो सभी अपने अपने फाइटर्स को रेडी करके रखना, ओके। सो हेलो गाइज, कैसी लगी वीडियो, मजा आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।